डीआईजी अजय कुमार साहनी ने एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा के साथ थाना नकुड़ का वार्षिक निरीक्षण किया। कोतवाली नकुड़ पहुंचे डीआईजी अजय कुमार साहनी ने सबसे पहले सलामी ग्रहण की। इस दौरान डीआईजी द्वारा थाना कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, मेस, बैरक आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन टांडा, एसपी देहा सूरज राय भी मौजूद रहे। इस दौरान डीआईजी अजय कुमार साहनी ने प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ और संबंधित पुलिस स्टाफ को अपराधियों पर नजर रखने एवं फरियादियों की समस्या सुनने के बाद अविलंब न्याय दिलाने के लिए निर्देश दिया। ये थाना नकुड़ का वार्षिक निरीक्षण है जो मेरे द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर एसएसपी सहारनपुर साहब और एसपी आर्य साहब भी हैं। ये वार्षिक निरीक्षण में जनरल थाने की वर्ष 2022 में पूरी कितनी कितनी कार्रवाइयाँ रही हैं, क्या कार्रवाई की गई है, रिकॉर्ड क्या मेंटेन है, थाने का रख रखाव है, इन सभी चीज़ों का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी थाने पर हमने देखा, यहाँ पर महिला हेल्प डेस्क देखा और साइबर क्राइम का देखा, काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है और जो भी समस्याएं हो रही हैं उसका डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड रखा जा रहा है जो कि अच्छा है, और बाकी थाने के अन्य चीज़ों का भी मुआयना होगा जो शाम तक चलता रहेगा। सर, किसी प्रकार की कोई खामियां पाई गई हैं? अभी तो आए ही हैं, अभी हमने यहाँ बेसिकली महिला हेल्प डेस्क देखा, जो महिलाओं संबंधी समस्याएँ हैं जो कि डीजीपी साहब की और सरकार की भी प्राथमिकता है और वहाँ बेहतर काम हो रहा है, और बाकी जैसा मैंने आप लोग को बताया कि अभी शाम तक ये चलती रहेगी मुआयने की चीज़ें और तमाम विस्तृत बेहद मुआयना होगा और जब सारा समाप्त हो जाएगा तो एक प्रेस नोट के जरिए आप लोग को उसके द्वारा भी सारी चीज़ों से अवगत करा देंगे। सर, कुछ आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे डॉक्टर? जी, निश्चित रूप से जो भी थाने पर आते हैं तत्काल उनके त्वरित रूप से सुनवाई हो, सबके साथ उचित व्यवहार किया जाए और जो भी अपराधी हो थाना क्षेत्र में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ये निर्देश लगातार दिए जाते रहे हैं और यही निर्देश आगे भी पुलिसकर्मियों के लिए है। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।